हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो गाइस, आज के जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 लो एंड पीसी बैटल रॉयल गेम फॉर 2GB रैम। सो वेल गाइस, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखना। ऐसे बैटल रॉयल गेम लेके आए जो कि आपके 2GB रैम और 512 MB ग्राफिक कार्ड में आराम से चल जाएंगे। एंड वेल गाइस, चैनल पे नए हो या फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया इस चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी कोई भी वीडियो को अपलोड करता हूं आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला गेम है उसका नाम है साइबर हंटर। एंड साइबर हंटर के बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे, पर फिर भी जो लोग साइबर हंटर के बारे में नहीं जानते, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। बैटल रॉयल गेम है जिसमें कि आपको मल्टीप्लेयर भी मिलता है एंड इसमें आप बैटल रॉयल मोड भी खेल सकते हो। एंड दोस्तों, इस गेम को रिलीज किया गया था 26 अप्रैल 2019 को एंड इसे डेवलप किया गया है नेट ईस्ट। बहुत ही हद तक बोल सकते हो कि इसका जो ग्राफिक्स है वो पबजी पीसी लाइट जैसा है, मतलब यार बहुत ही रियलिस्टिक ग्राफिक्स में आपको मिल जाता है। एंड मैं पहले बता दूं कि ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। बताता हूँ कि साइबर हंटर का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो कितना है। यहाँ पर आपके पास रैम 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करते हो, HD ग्राफिक कार्ड 512 MB आपके पास ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करो तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। तो हमारे सेकंड गेम के ऊपर, सेकंड बैटल रॉयल गेम है, उसका नाम है नाइफ्स आउट। एंड दोस्तों, नाइफ्स आउट के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। एक ऑनलाइन शूटर गेम है जिसमें आप बैटल रॉयल एंड मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं। सेम साइबर हंटर जैसा गेम है, आपको सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, के लिए भी उपलब्ध है, एंड्रॉइड के लिए उपलब्ध है। एंड ये गेम रिलीज 14 नवंबर 2007 को एंड इसे डेवलप सेम वही कंपनी ने किया है, नेट ईस्ट ने इसे भी डेवलप किया है। सो वेल गाइस, इसका मुझे सिस्टम रिक्वायरमेंट है, गाइस रैम की बात करो तो मिनिमम 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो इंटेल HD ग्राफिक्स आपके पास मिनिमम होना चाहिए। एंड दोस्तों, प्रोसेसर की बात करो तो i3 मिनिमम आपके पास होना चाहिए। एंड स्पेस की बात करो तो यार 4GB के आसपास आपके पास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और आपको अगर इस गेम को डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर जिसका नाम है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। एंड गाइस, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के बारे में ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूं। सो वेल गाइस, अगर जिनमें फोर्टनाइट चलता नहीं या वो डाउनलोड नहीं कर सकते, वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को आराम से खेल सकते हैं। तो यहां पर मैं थोड़ा गेम के बारे में एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। दोस्तों, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक बैटल रॉयल गेम है जो कि फोर्टनाइट के जैसा ही पूरा बोल सकते हो। उसमें आप डुओ, स्क्वाड, सिंगल, जो जैसा जो बैटल रॉयल गेम में रहता है सब खेल सकते हैं। सो वेल गाइस, इस गेम के बारे में बता देना चाहता हूं। दोस्तों, ये गेम रिलीज किया गया 20 जून 2018 को एंड इसे भी डेवलप किया है नेट ईस्ट ने। सो इसका भी सिस्टम रिक्वायरमेंट दोस्तों बहुत ही कम है, मतलब यार अगर आप फोर्टनाइट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो ये गेम आपके लिए ही बना है। तो यहाँ पर मैं रैम की बात करूँ तो मिनिमम 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करूँ तो इंटेल HD ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। एंड दोस्तों, प्रोसेसर की बात करूँ तो इंटेल कोर i3 आपके पास मिनिमम होना चाहिए, तभी जाके आप इस गेम को खेल पाओगे आराम से। एंड वेल, हमारे फोर्थ गेम के ऊपर, जो हमारा फोर्थ नंबर वाला गेम है, उसका नाम है वॉरफेस। एंड दोस्तों, ये भी फ्री टू प्ले गेम है एंड इसे आप बोल सकते हो ऑनलाइन फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है। एंड इसे डेवलप किया गया है क्रिटिक के द्वारा एंड दोस्तों इसे पब्लिश किया गया है my.com। ये भी एक बहुत ही अच्छा गेम है, बैटल रॉयल गेम है। सो इसमें TDM वाला सीन रहता है, मतलब 4 ओपोनेंट्स वहाँ से आते हैं एंड 4 ओपोनेंट्स यहाँ से आते हैं। तो बल्कि इसमें भी आपको बहुत सारे मैप्स मिल जाते हैं, पूरा गेम आपका CS:GO जैसा है। एंड इसका जो ग्राफिक्स है यार कतई आफत है। एंड और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि अगर आपके पास एक लो एंड PC है तो ये बैटल रॉयल गेम आपके में बहुत ही अच्छा चलने वाला है। तो यहाँ पर मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की थोड़ा बात कर लेना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं रैम की बात करूँ तो 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करूँ तो मिनिमम यार हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। एंड प्रोसेसर की बात करूँ तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा, बट हाँ, आपके PC या लैपटॉप पे स्पेस मिनिमम 10GB के आसपास खाली होना चाहिए। एंड अगर आपको इस गेम को डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी इन माय वेबसाइट एंड वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे आखिरी गेम, लास्ट गेम है जो फिफ्थ नंबर वाला गेम है, उसका नाम है लाइन ऑफ साइट। तो दोस्तों, लाइन ऑफ साइट के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं। दोस्तों, लाइन ऑफ साइट एक ऑनलाइन फ्री टू प्ले गेम है एंड मैं बता दूं ये फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है जिसे डेवलप किया गया था स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टूडियो के द्वारा। एंड दोस्तों, यार कसम से बताऊं तो ये गेम बहुत ही अमेजिंग है, मतलब इस गेम का साइज के हिसाब से और इतना कम मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका जो ग्राफिक्स क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है एंड आपकी लो एंड PC में ये गेम आराम से चल जाएगा। दोस्तों, इस गेम का सिस्टम रिक्वायरमेंट थोड़ा रिवील कर देना चाहता हूं। दोस्तों, रैम की बात को तो मिनिमम 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात को तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों, प्रोसेसर की बात करो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मिनिमम आपके पास 9GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हैं अपने PC या लैपटॉप के लिए। सो वेल,
गाइस यही कुछ 5 गेम थे आपके लो एंड पीसी के लिए। गेम्स को इंस्टॉल करने से पहले प्लीज अपना ड्राइवर्स को अप टू डेट कर लेना। तो बस दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड हाँ दोस्तों अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो जो इस गेम को खेलना चाहते हैं। तब तक मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक लिए जय हिंद जय भारत। एंड हाँ दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि इन 5 में से आपका फेवरेट गेम कौन सा है। तब तक के लिए बाय।